नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम ए क्लास स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक स्टेशन क्या है। ब्लॉक स्टेशन वे स्टेशन है जहां लोको पायलट को अपनी ट्रेन के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए संचालन पद्धति के अनुसार प्रस्थान प्राधिकार लेना आवश्यक है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में इन स्टेशनों के तीन क्लास होते हैं, ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन तथा सी क्लास स्टेशन। ए क्लास स्टेशन केवल टॉक व्यवस्था में डबल लाइन तथा सिंगल लाइन पर होते हैं। स्क्रीन पर डबल लाइन सेक्शन पर एक स्टेशन दिखाया गया है जिसमें मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल वार्नर, होम, स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर सिग्नल दिखाए गए हैं। अगली स्टेशन डायग्राम में मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल वार्नर, होम तथा स्टार्टर सिग्नल है जिसमें एडवांस स्टार्टर नहीं है। आखिरी स्टेशन डायग्राम सिंगल लाइन सेक्शन पर ए क्लास स्टेशन दिखाया गया है जिसमें मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल वार्नर, होम तथा स्टार्टर सिग्नल है। ए क्लास स्टेशन वे ब्लॉक स्टेशन है जहां किसी भी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर तभी दी जाएगी जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वो लाइन होम सिग्नल के आगे कम से कम 400 मीटर तक या स्टार्टर सिग्नल तक साफ होनी चाहिए। यही कंडीशन ए क्लास स्टेशन की सबसे बड़ी खामी भी है। सिर्फ ए क्लास स्टेशन पर ही न्यूट्रल जोन होता है। स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम के अनुसार यदि स्टार्टर सिग्नल के अतिरिक्त एडवांस स्टार्टर सिग्नल भी लगा है तो स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बीच के भाग को न्यूट्रल जोन कहते हैं, क्योंकि ये भाग अगले और पिछले किसी ब्लॉक सेक्शन में शामिल नहीं है। पिछला ब्लॉक सेक्शन स्टार्टर सिग्नल पर समाप्त होता है और अगला ब्लॉक सेक्शन एडवांस स्टार्टर से शुरू होता है। एक बार लाइन क्लियर दे देने के बाद ए क्लास स्टेशन पर शंटिंग नहीं हो सकती है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।